नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ALA ओमेगा 3 में। मैं हूं डॉक्टर दिव्या। दोस्तों, एक चीज जो हम सभी जानते हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके घुटनों का जो दर्द है वो भी असहनीय हो जाता है। और आज तो हालात ये हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन द एज ऑफ 40 to 50 वो अपना नी रिप्लेसमेंट करा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्या न्यूट्रिशनल फैक्टर इसके पीछे कोई कारण बन सकता है, या फिर ALA ओमेगा 3 हमें एक नई उम्मीद की किरण दिखा सकती है? जी हाँ, इसी के बारे में और डिटेल में बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट्स। तो चलिए हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे आज की पहली एक्सपर्ट है डॉक्टर हुमेरा बानो। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू। डॉक्टर हुमेरा बानो इज हेड ऑफ न्यूट्रिशन रिसर्च डिपार्टमेंट, डेक्कन हेल्थ केयर। हमारी आज की दूसरी एक्सपर्ट है डॉक्टर दीपा कदम। वेलकम डॉक्टर। नमस्ते। वेलकम टू द शो। डॉक्टर दीपा कदम इज MD आयुर्वेदा और ये 15 साल से मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। चलिए दोनों का स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर। वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर्स। जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ने लगती है, वी हैव एजिंग साइंस। और आज की डेट में इन मिड ऑफ 40s यू कैन से एंड स्टार्टिंग ऑफ 50s, एक एजिंग साइन जो बहुत ही प्रीडोमिनेंट होता जा रहा है वो है नी रिप्लेसमेंट। मैं नी रिप्लेसमेंट को एजिंग साइन इसलिए बता रही हूँ, आई हैव सीन पीपल हु आर इन यू नो लेट ऑफ देयर 30s, मे बी 38-40 ईयर्स के, दे हैव गॉट नी रिप्लेस्ड, क्योंकि जो दर्द है वो असहनीय है, वो चल नहीं पाते हैं। दे बिकम यू नो एडिक्टेड टू सिटिंग, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं कर पाते हैं एंड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? इज इट न्यूट्रिशन, या फिर इज इट लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, या फिर उनकी जेनेटिक या फिर हेरिडिटरी प्रॉब्लम है ये? इसके बारे में प्लीज हमें बताइए। एक्चुअली जॉइंट नी रिप्लेसमेंट ये एक पैटर्न है, लेकिन जनरली अपने बॉडी में जितने सारे जॉइंट्स हैं उनमें कहीं ना कहीं स्वेलिंग, कहीं ना कहीं दर्द शुरू हो जाता है और ये एक एजिंग साइन मानी जाती है। और आज की जैसे पहले के जमाने में आपने देखा होगा 50-60 में भी लोग आराम से काम करते थे, आराम से घूमते थे, फिरते थे, उनको कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन आज हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई, हमको कुछ खाना भी बनाना है हम खड़े होकर खाना बना रहे हैं, कहीं बैठने बैठने का काम नहीं कर रहे, कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन है। सेकेंड थिंग आहार, मतलब जो खाना पीना है वो हम प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहे, जितने न्यूट्रिएंट्स या जितने इसेंशियल थिंग्स अपने शरीर को चाहिए वो हम कहीं पर भी नहीं ले, हम ले रहे जो फास्ट फूड है जिसमें कुछ भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं, ज्यादा नहीं है या एकदम नहीं के बराबर है। वैसे चीज लेने से जो बॉडी में ल्यूब्रिकेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि फैट में ल्यूब्रिकेशन होता है, लेकिन अति मात्रा में फैट लेना भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसी फैट होनी चाहिए जो प्रॉपरली जॉइंट्स को, प्रॉपरली बोन्स को ल्यूब्रिकेशन दे, तो वो सब लेने के लिए हमें प्रॉपर डाइट की जरूरी है, जो आजकल बच्चे या आजकल यंग जनरेशन भी नहीं ले रहे। थर्ड थिंग्स, बैठे बैठे काम करना, जॉइंट्स का ऐसे रहता है कि यूज इट और लूज इट। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी हुमेरा जी? सब लोगों का ध्यान भी न्यूट्रिशन की तरफ जाता है तो बोन्स को स्ट्रांग करने में जाता है। वो जो है कैल्शियम की दवा लेंगे, ठीक है, या फिर एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन इतना नहीं करते कि हर ज्वाइंट जो है वर्कआउट हो। करेक्ट। ठीक है, तो इसके वजह से जो है कहीं पे ल्यूब्रिकेशन जो जॉइंट्स में, जिसकी वजह से मूवमेंट होता है उसकी कमी हो जाती है, जिसके वजह से जो है जॉइंट पेन्स शुरू होता है, क्योंकि ये ल्यूब्रिकेंट होने की वजह से ही जो है जॉइंट्स में मूवमेंट रहता है, फ्रिक्शन जो बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे ये फ्लूइड कम हो जाता है, साइनोवियल फ्लूइड जो कहते हैं जो ल्यूब्रिकेशन देता है, तो जॉइंट्स जो है एक दूसरे को लगड़ना शुरू करते हैं, जिसके फ्रिक्शन हो जाता है, जिसके वजह से जो है जो ऊपर का लेयर जो है घिस जाता है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे इन्फ्लेमेशन जो है पूरे हड्डी को खाने लगती है, और फिर जो है दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता है। असहनीय दर्द, कहा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सहन करना। हाँ, तो अगर आप अपने कोई भी जॉइंट्स को, जैसे बेसिकली जो बड़ा जॉइंट नी जॉइंट सामने दिखता है, अगर आप उसके पर हाथ रख के आप अपने नी को घुमाएंगे तो भी कट कट ये जो नॉकिंग आवाज है वो इसीलिए हो रही है कि दो जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है, फ्लूइड में इसलिए बोल रहे हैं जिसको तेल बोलते हैं हम रेगुलर लैंग्वेज या वंगण बोलते हैं, तो वो खत्म हो रहा है। वो एक सबसे पहली साइन है, आपको आपकी जॉइंट बता रहे हैं कि हमें ऑयल चाहिए, हमें ल्यूब्रिकेशन चाहिए, ये आप वो आपसे मांग रहे हैं और आप फिर भी नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए वो डिजीज और बढ़ता जाता है। आई थिंक इवन आवर बॉडी इज हैविंग लॉट ऑफ साइंस, कि वो हमें खुद बताता है कि मेरी जरूरत क्या है, मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे किस चीज की किस मात्रा में जरूरत है, बट स्टिल वी डोंट लिसन टू आवर बॉडी।
और हम उसे अवॉइड कर देते हैं, हम बोलते हैं जब तक चल रहा है चलने दो। आई थिंक बहुत सारी डिटेल्स में बात करना बाकी है, मगर इस वक्त वी हैव टू टेक अ स्मॉल ब्रेक। फ्रेंड्स, नाउ इट्स टाइम फॉर अ स्मॉल ब्रेक, बट ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम है तो ALA ओमेगा 3 किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। सो स्टे ट्यून्ड, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं ALA ओमेगा 3 और आज हम बात कर रहे हैं ज्वाइंट प्रॉब्लम्स के बारे में। दोस्तों, आई नो आपके कई सवाल होंगे, कई क्वेरीज होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं और भी डिटेल में ALA ओमेगा 3 के बारे में तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रखिए, हमारे फोन लाइंस आपके लिए 24/7 खुले हैं, सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। अभी तक हमने बात की कि ज्वाइंट प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों हो रही है, उसके लिए लुब्रिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है, उसे हेल्दी रखना कितना इम्पोर्टेंट है। मगर बैक टू स्क्वायर वन, इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम ज्वाइंट प्रॉब्लम, इफ आई एम ऑप्शनिंग फॉर से नी रिप्लेसमेंट, और आपने जैसे कहा कि नी एक सबसे बड़ा ज्वाइंट है और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है, तो क्या ALA हमारी कोई मदद कर सकता है? ALA जो है ज्वाइंट प्रॉब्लम्स में काफी हद तक प्रिवेंट कर सकता है, पहली बात तो, क्योंकि जैसा मैंने कहा है कि जो है ये फ्लूइड कम होने की वजह से और इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होता है जी। तो जितने भी जो ड्रग्स वगैरह होते हैं बेसिकली जो है इन्फ्लेमेशन पे काम करते हैं, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, सो इसके वजह से जो है टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन फिर थोड़े दिन के बाद फिर बात वहीं पे आके रुक जाती है कि फिर से दर्द हो रहा है। जब तक पेन किलर्स लेते हैं या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं तो रिलीफ मिलता है, लेकिन बात वहीं पे आके रुक जाती है। लेकिन जब आप ALA ओमेगा 3 लेते हैं तो ये दो तरह से काम करता है, एक तो इन्फ्लेमेशन को कम करता है और दूसरा जो है जो फ्लूइड कम हो रहा है उसको, हाँ, लुब्रिकेशन जो ऑयलिंग जो कहते हैं उसको सिंथेसाइज करने में भी उसकी मदद करता है। सो दैट ज्वाइंट का मूवमेंट जो आवाज आती है वो भी हम लोगों ने देखा है, हम लोगों के थोड़े कस्टमर्स है जिन्होंने ये यूज भी किया है प्रोडक्ट्स, और जो है विद इन 1 वीक आके बता रहे कि जब उठते बैठते हैं तो वो आवाज भी कम हो जा रही, तो इसे पता चलता है कि ये लुब्रिकेशन में भी काफी हद तक मदद करता है। एक सवाल, क्योंकि हमने अभी तक बहुत सारे डिजीजेस के बारे में बात की है, दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन, लाइक इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट डिजीज एज वेल एज ज्वाइंट प्रॉब्लम, सो डू ही नीड टू टेक अ डिफरेंट सप्लीमेंट, या एक ही सप्लीमेंट में उसके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? जो लोग ज्वाइंट प्रॉब्लम से जूझते हैं उन लोगों के लिए जो है एक ही सप्लीमेंट काफी है, स्पेशली जब आप लुब्रिकेशन की बात करते हैं तो ALA ओमेगा 3 लेंगे तो जो है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन एक बात होती है कि जब काफी हद तक बोन को बोन लग के जो है बहुत ज्यादा आगे चला गया है, आगे चले गया है, डिग्रेडिंग ऑफ द बोन ऑल्सो स्टार्ट, तो इसके लिए जो है और एक सप्लीमेंट लेना पड़ता है जो है कैल्शियम है। Correct. तो कॉम्बिनेशन ऑफ ALA और कैल्शियम दो भी लेंगे तो बोन को स्ट्रांग भी बनाएगा और साइड बाय साइड जो है लुब्रिकेशन भी मिलेगा। डॉक्टर दीपा, यूर आयुर्वेदिक डॉक्टर, आपने MD किया है, हम सभी जानते हैं जो आयुर्वेदा है 5000 साल पुराना है और आई थिंक आज की डेट में भी उतना ही मददगार है जितना कि 5000 साल पहले था, तो क्या कहीं पर भी ALA ओमेगा 3 का उल्लेख था, डिस्कशन कहीं ना कहीं था, उसके बारे में प्लीज हमें बताइए। एक्चुअली एज सच ALA ओमेगा 3 ऐसे कहीं पर भी नॉमेनक्लेचर आयुर्वेदा में आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो है वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज मॉलिक्यूल है या फ्लैक्सीड ऑयल से निकाला हुआ है। आयुर्वेदा बिलीव करता है कि यूज होल मेडिसिन, मतलब मेडिसिन जैसे फॉर्म में वैसे यूज करना है, लेकिन वो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। Correct. क्योंकि उस जमाने में जो दवाइयां मिलती थी वो प्रॉपरली कल्टीवेटेड, ऑथेंटिक और स्टैंडर्ड थी। Correct. अभी जो मिल रही है बहुत सारी एडल्ट्रेटेड दवाइयां हैं, तो इसीलिए आयुर्वेदा का बेस लेते हुए आयुर्वेदा में डेफिनेटली उल्लेख है फ्लैक्सीड्स का, अलसी बीज या अत्सी बीज जिसको संस्कृत में कहते हैं अत्सी, तो उनका उल्लेख है जिसमें से ओमेगा 3 इज वन ऑफ द कंपोनेंट सिंथेसाइज होता है। और उसी को किसी भी सप्लीमेंट के हिसाब से यूज हो रहा है। आयुर्वेदा में ओमेगा 3 नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ फ्लैक्सीड का उल्लेख और उसके उपयोग जो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, या मतलब बच्चों को अलसी बीज ऐसे यूज होते हैं कि जैसे खांसी हो गई, कफ हो गया, तो इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और कफ को निकालने में भी काम आता है। okay. तो वही सेम काम, और जैसे आजकल के मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से हमें
पता चलता है कि जॉइंट पेन में हो रहा है, हार्ट अटैक में हो रहा है, हाइपरटेंशन में हो रहा है, इन सब वेरियस डिजीज में कर सकते हैं। डॉक्टर, अभी हमने बहुत ही क्लियरली जान लिया है कि 5000 सालों से हमारे जो पूर्वज हैं या जो आयुर्वेदाचार्य थे उन्हें इसके बारे में नॉलेज थी, और आप जैसे रिसर्चर्स ने, आप जैसी कंपनीज ने आज इस चीज को कॉमन पब्लिक तक लेके आ रहे हैं, हम कॉमन प्लेटफॉर्म तक लेके आ रहे हैं, ताकि उनके जो बेनिफिट्स हैं वो हर एक इंसान को मिल सके, हर एक जन जन में पहुंच सके, और उसके जो इल इफेक्ट्स जो हो रहे हैं डिजीजेस के, और जो कमर्शियलाइजेशन के जो इल इफेक्ट्स हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के जो इल इफेक्ट्स हैं, उसे कम किया जाए। इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? जी बिल्कुल, एले ओमेगा 3 जो है, शायद लोगों ने नाम नहीं सुना है, लेकिन ये अपने डाइट में पहले से है जी। लेकिन लोगों ने जो है इतना वेस्टर्नाइज डाइट वगैरह अपनाया है और इसको अपने आप जो है डाइट में से एक्सक्लूड कर दिया है, जिसकी वजह से अब जो है इसको एक सप्लीमेंट के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और वो जरूरी भी और है, जरूरी मैंडेटरी टू कंज्यूम एएलए ओमेगा 3। इट्स न्यूट्रास्यूटिकल, इट्स न्यूट्रास्यूटिकल डाइट प्लस मेडिसिन, दैट्स व्हाई इट्स न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट। सप्लीमेंट कहते हो तो दैट इज व्हाट इट मींस, कि आपको जो है पूरा अपने डाइट से नहीं मिल रहा है, तो आपको जो है किसी दूसरे आधार पर डिपेंड करना है, तो यू सप्लीमेंटिंग योर डाइट। आई थिंक जब हम एसेंशियल फैटी एसिड, क्योंकि बहुत हमने बात की है एसेंशियल फैटी एसिड, तो उसी नाम से, उसी टर्म से वी अंडरस्टैंड कि ये जरूरी It's है essential. हमारे लिए, और ये बहुत जरूरी है हमारी हेल्थ के लिए। तो आई थिंक थैंक यू वेरी मच डॉक्टर्स कि आपने इतना समय दिया और हमारे जो जनता है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उन्हें एजुकेट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, आज हमने जाना कि किस तरह से आपके जॉइंट प्रॉब्लम्स अब प्रॉब्लम नहीं रहेंगे अगर आप अपनाते हैं एएलए ओमेगा 3। अगर आपके पास है कोई क्वेरी या कोई सवाल, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं goodbye, but till we meet next in ALA Omega 3, please remember to add ALA Omega 3 to your plate.